जासूस निकली, उसे भी देशभक्त बना देंगे हम। पढ़ाई कर रहा हूँ अभी, शादी का कोई मन नहीं है, भाई पूरी पढ़ाई कर चुके बैठे हैं, मतलब भाई की हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मुझे पाकिस्तानी चाहिए, पाकिस्तानी चाहिए भाई। दोस्त है हमारे से पड़ोसी, ये लाया है इसको, अब गई बागर संग मजी लिए वो वहाँ परेशान है लड़की। पबजी से मोहब्बत, मोहब्बत से दुल्हन है, दुल्हन है पाकिस्तान का। जो परेशान है वो है, आ जाओ। घर क्यों नहीं जा रहे भाई? भाभी आई है हमारी। अरे भाभी आई है तो फिर घर तो जाओ। घर चले जाएंगे, घर भी हमारा ही है, ज्यादा दूर थोड़ी। भाभी अगर जासूस निकली, उसे भी देशभक्त बना देंगे हम। पाकिस्तानी को भी भारतीय बना दोगे? हाँ जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। श्री राम के बाद जय श्री राम। नहीं जय श्री राम तो कह रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान की साजिश, कई सवाल उठ रहे हैं। साजिश हुई तो हो जाओ, सब काम मैनेज कर लेंगे हम। हाँ सब काम मैनेज है, जाओ। जब भी उसे देशभक्त बना, देशभक्त बनाना हो, देशभक्त बना देंगे हम उसे। हाँ गंगा जी नवा देंगे, लोने काफी उत्साह में है, एक रख गंगा जी नवा देंगे, और पाकिस्तानी जासूस हुई तो उसको भी देशभक्त बना देंगे। चाचा ये तो लौंडे जो है बहुत आगे हो रहे हैं। हाँ जी क्या कहेंगे आप? देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे भाई सीमा जी ने बहुत हिम्मत का काम किया है। सीमा जी जी और वो यहाँ खुश हैं, बढ़िया रह रही हैं, और हमारे मोदी जी उनको बहुत सहयोग दे रहे हैं। अभी तो सरकार ने निर्णय नहीं लिया, आप अपने आप ही कह रहे हो सहयोग दे रहे हैं, लेकिन ये तो बताओ, लेकिन अगर ये पाजी पाकिस्तान की साजिश हुई तब क्या होगा? नहीं ऐसा भाई, ऐसा तो होना नहीं चाहिए वैसे। नहीं सब यही चाहते ना हो, लेकिन ऐसा हुआ हुआ तो फिर हम तैयार हैं भाई, हम लोग तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं। अच्छा हाँ जी, हम सभी भाई लोग जो है तैयार है हर तरीके से हेल्प के लिए, इनके लिए पैसे से, ताकत से, हर चीज से तैयार है। हाँ भाई क्या कहेंगे, क्या चाहते हो, चाहते क्या हो, दिमाग में क्या है, दिल में क्या है? दिमाग में ये चार पांच लड़की और आ जाए और हिंदू धर्म अपना ले, और भाइयों की शादी हो जाए, भाई की भी शादी नहीं है, इनकी भी शादी हो जाए, दो एक आदमी और हो जाए। तुम्हारी हो गई? अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी शादी का कोई मन नहीं है, भाई पूरी पढ़ाई कर चुके बैठे हैं, मतलब भाई की हो जाए कोई दिक्कत नहीं। मुझे पाकिस्तानी चाहिए, पाकिस्तानी चाहिए भाई को, भाई पाकिस्तान से लाना। भैया पाकिस्तानी चाहिए या बट थोड़ी रही है, पाकिस्तानी चाहिए क्योंकि पाकिस्तानी इसलिए चाहिए क्योंकि वो मुसलमान और हिंदू राष्ट्र में, मतलब हिंदू राष्ट्र अपना रही है, वो आके हिंदू बन रही है। जरूरी थोड़ी है कि हिंदू बन रही है, अगर वो मुसलमान रही कहती कि तुम मैं नहीं कन्वर्ट कर रही, उसमें क्या हाँ कुछ कहना चाह रहे आप? हाँ मैं कहना चाह रहा हूँ, इसकी जांच अच्छी तरह से होनी चाहिए, अगर ये सही रूप में आई है तो स्वागत है, वरना इसकी जांच होकर इसको दंडित किया जाए। जांच जरूर होनी चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, जांच जरूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अभी कल जो है गाजियाबाद, उसमें चल रहा चैनल पे गाजियाबाद लड़की पकड़ी गई है, उसकी जासूस है पाकिस्तान की, उसका खुलासा हुआ है अभी, तो इसकी भी जांच गहनता से होनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं कि ये ऐसा ना हो कि जो जो उसमें होश खो दो, बिल्कुल बिल्कुल, और पाकिस्तानी तुम्हारे घर में आके बैठ जाए। तो तुम सोच रहे हो कि लौंडी आ रही है और यहाँ बैठ जाए जासूस, समझ में आ रही है बात? हाँ जी बिल्कुल आ रही है समझ। क्या ही चाहिए पाकिस्तानी? पाकिस्तानी चाहिए मतलब मैंने तो वैसे बोला नहीं है, अभी तक समझदार लग रहे तू, जासूस नहीं होनी चाहिए, जासूस नहीं होनी चाहिए, जासूस नहीं होनी चाहिए, जासूस नहीं होनी चाहिए। अगर वहाँ से बताए जासूस नहीं भी हुई ना, तो ऐसा लगता है पाकिस्तान की जासूस होगी भाई, पाकिस्तान के किसी रैकेट से होगी भाई, वो पता नहीं क्या करने आई है, ऐसा सग लगता है ना। पर ये जो जीत रही है सच्चाई से जीत रही है, जो ये सच बोल रही है ना, हमेशा से सच जो बोला है इसने, उससे जीत रही है। और चार बच्चों का नहीं लाती अगर ये कोई होती ना, दिल नहीं कह रहा कि गलत है क्या ये, तुम्हें लग रहा है कि सीमा असली है, दिल नहीं कह रहा, तुम्हारा दिल गवाही नहीं दे रहा क्या? किस लिए गवाही नहीं दे रहा? तुम कह रहा है सच्चाई से जीती, तुम्हें पता सच्चाई है कि झूठाई है? नहीं नहीं मैं मतलब अब तक मैंने बोला, अब तक जो यहाँ पे खड़ी है ना, अड़ी रही है, वो सच्चाई से अड़ी रही है, आगे का पता ही नहीं मुझे, रोबा ले साबित कर दे। तुम्हारा दिल क्या कह रहा? मेरा दिल मैं क्या बोलूँ अब, कानून जाने, मेरे से अच्छा कानून जाने ना, संविधान जाने, मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं थोड़ी ना निर्णय ले सकता हूँ। नितेश मीणा, नितेश मीणा, हाँ मीणा मत बहुत जोश है, बताओ तुम क्या कहना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ, भारत सरकार अच्छे से जांच करे और जांच पड़ताल करे और इसे न्याय दे रहा है, बस यही कहना। अब कुछ लोगों की सुर बदल गया थोड़ा सा, अब जांच की बात कर रहे हैं, मतलब जोश में होश नहीं, अब जांच भी जा रही है। जांच होनी चाहिए, और पहले सबसे पहली बात तो ये है कि जांच चल रही है, ठीक है, जैसा भी कानून का जो भी आएगा रिजल्ट वो सब कुछ पता चलेगा।
नहीं अगर ऐसा कुछ भी होता तो ऐसा सरकार छोड़ती नहीं, ठीक है। और दूसरी बात ये, अगर जासूस वासूस की बात आ रही है, अगर चार बच्चों को वो लेके आई है, अगर जासूस होती तो चार बच्चों को बिल्कुल भी नहीं लेके आती। और दूसरी बात ये कि उसने सनातन धर्म अपना है, हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात है। और भी आए और भी तो बात है, पाकिस्तानी जासूस आ जाए सनातन धर्म अपना ले तो मान लोगे? ऐसा नहीं मान सकते। तुम कुछ कहना चाह रहे हो भाई, क्या नाम है? हम कहना चाह रहे हैं नेकर, नेकर सम पहना हो जाओ, नेकर पहना हो। बोलना क्या नाम है तुम्हारा, नाम बताओ? अनुज। हाँ बताओ क्या कहना है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, कहाँ बढ़िया है? भाई भाभी बढ़िया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनी पारी जो है, सनी देओल सर, इसको एक बार तो इनवाइट करें, इसके मतलब इसे अपने साथ बिठा के मूवी दिखाने का मौका दें जरूर, कि इसने रियल में करके दिखा, मतलब स्क्रिप्ट अलग है, सीन अलग, बस सीन एक अलग है कि लड़की खुदाई है, बाकी है तो सनी पाजी की तरीके है। और सनी पाजी की स्टोरी से भी ज्यादा रोमांच है। सनी पाजी की स्टोरी को ही देखकर इनमें जोश आया है, जो पाकिस्तान से आज हिंदुस्तान में आई है, सीधा बोला है उन्होंने इंटरव्यू में भी। बोला था गदर मूवी उनकी मतलब फेवरेट है, बोला था उनकी गदर मूवी सबसे फेवरेट है। हाँ जी, गदर मूवी सनी पाजी सारे फेवरेट है। सनी पाजी ने तो स्टोरी थी उनकी, यहाँ तो रियल में होकर दिखाया। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि अगर सनी पाजी एक बार इनवाइट जरूर करें इनको। आसिफ भाई क्या कहें, क्या नाम है? जासूस हुई तब क्या करोगे सर? अगर कोई भी जासूस होगा तो पहली बात तो ये है कि अपने बच्चों की जिंदगी कोई भी जासूस अपने खतरे में नहीं डाल सकता, और जो करेगी सरकार फैसला करेगी, इस बात को कोर्ट से फैसला होगा। भाई तुम्हारा जो मीना है सचिन मीना, वो तो इतना साधारण सा है, बोल भी नहीं पाता, और वो इतनी तेज है, और बता रही पांचवी पास, स्मार्ट, इंग्लिश टू इंग्लिश, शक तो पैदा होता है। चार मोबाइल, शारजा से नेपाल, नेपाल से इंडिया है, पांचवी से ऊपर तक पढ़ाई लगा है, पांचवी पास तो ना, पांचवी से ऊपर नहीं होता है, पांचवी से ऊपर पढ़ाई लगती है। अपन दिल्ली की बता नहीं रहा है, औरत तो होती तेज है, क्या होता है? अच्छा, क्या मैं तो आज कुछ भी कर सकता है, प्यार में आदमी, प्यार में तो जो करे प्यार, प्यार ही हो गए प्यार। तुम्हें क्या लग रहा है, प्यार है कि साजिश है? हैं, साजिश का एक हुआ, अच्छा, उसके चार बच्चे हैं, और कोई माँ बाप सोच नहीं सकता कि मैं अपने बच्चों की जिंदगी उसमें डालूं। तुम्हारे सामने पैदा हुए थे? हैं, तुम्हारे सामने पैदा हुए थे बच्चे? पाकिस्तान के, हमारा तो ये दोस्त है, हमारे से पड़ोसी, ये लाया है इसको, अब गई बागर संग मजी लिए वो। अरे भैया वो शादी कर रहे हैं, तुम कह रहे हो मजे ले रहे हो? शादी तो होगी, अगर उसकी जांच पड़ताल होगी, जासूस तो नहीं है, नहीं ऐसा है। तो नहीं लगता। कैसे नहीं लगता, कैसे नहीं लगते, कैसे नहीं लगता? बहुत बुद्धि, और दो बुलेट और खोल लेने से। हाँ बताओ क्या कहना, क्या कहेंगे बताओ, पूछो क्या कहना सब है सारा। भाई सचिन की जो घरवाली है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? जिसको भी डाउट है, डाउट क्लियर होना चाहिए, पाकिस्तान से जुड़ा मामला है, जब तक डाउट क्लियर ना होगा तब तक कुछ ना होना। अब सब पता है क्या है, क्या ना है, पाकिस्तान की तो हवाई बुरी है इंडिया के लिए, पाकिस्तान ने दुखी दिया इंडिया को आज तक, और ये घुसपैठिया जाए, लेट जाओ, जैन साहब कुछ भी सही, तो नुकसान तो देगी ही, जब तक क्लियर ना होगा तब तक तो कोई खुशी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ भी करो, लेकिन जब तक अब डीजीपी साहब, यूपी के पूर्व डीजीपी है, उन्होंने बयान दिया है कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, क्या चल रही है, जब तक क्लीन चिट ना आएगी तब तक कुछ ना है, क्लीन चिट आनी चाहिए, डाउट दूर होना चाहिए। क्लीन चिट मिलेगी तभी बहुत स्वीकार होगी। क्या नाम है आपका? नवीन मीणा। मीणा क्या कहेंगे नवीन भाई, बताइए, पूछे क्या पूछना चाहते हैं? जोश में लग रहे हो, वहीं से घूम कर आए हो मुझे लग रहा है। अच्छा बिल्कुल, आपको ही देख रहा था मैं भी। अच्छा क्या कहेंगे इस पूरे एपिसोड पर, सचिन प्रेम प्रकरण पर?
क्या कहल क्या पूछना चाह रहे हैं? इनमें क्या है जवान में क्या में ये है, सरकार जो करेगी वो तो करेगी, मगर जब तक ये लड़का यहाँ है और जो इसको साथ रखना चाहता है जब तक रखेगा रखेगा ही, ये तो इसमें ये नहीं है कि समाज की तरफ से ऐसा कोई प्रॉब्लम, समाज पूरा खुश है, हमारी बिरादर पूरी खुश है, मीणा बिरादरी जो हमारे उत्साही है, हाँ पूरा हाँ। बच्चों बच्चों में जोश जोश भरा हुआ, बच्चे भी जिनकी उम्र कट गई थी शादी के लिए वो भी थोड़ा सोच रहे पबजी खेल सोच रहे हैं हाँ। पबजी के बारे में नहीं हाँ। पबजी तो पबजी नहीं है, डायरेक्ट बोल रहे हैं बच्चे तो अच्छा। कि जो वहाँ परेशान है लड़की पबजी से, मोहब्बत मोहब्बत से दुल्हन है पाकिस्तान, जो परेशान है वो यहाँ आ जाओ, आपकी तो होगी होगी हाँ, मेरी तो हो चुकी है। लेकिन यार अगर मामला दूसरा निकला मैं भी कह रहे यार पाकिस्तान की तरफ से मामले आज तक जो है टाइट ही आए हैं, तो मैं भी कर लूंगा। क्या मामला टाइट आया? अगर जासूस हुई तो, जासूस हुई तो है तो नहीं, अभी देखो जब गिरफ्तारी हुई थी, सुनो एक मिनट, अरे सुनो सुनो सुनो, अगर वो जासूस होती इतनी जल्दी जमानत ना होती, क्योंकि इंक्वायरी बिना जमानत थोड़ी हो सकती है किसी की, आप भी जानते हो जमानत चल रहा है हाँ, वो तो सरकारी काम है, वो तो होगा ही, वो चलेगा ही, वो तो बरकरार और ये चलता रहेगा। भाभी को लेकर जोश में और सबको लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाभी तुम्हारी हुई जासूस। देखो वो होता है ना कि कहीं हर कहीं कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम आप करो 100% सब लोग सेटिस्फाई नहीं होते, कुछ होते हैं, अब उन्हें आप होती है बोल लो या कुछ भी बोल लो, कुछ तो होंगे जो अपनी बताओ। हाँ बताइए बताइए, हमारा क्या कहना? हमारा तो देखो जो समाज कह रही है वो हमारा कहना बिल्कुल खुश है, जो भी होगा कानूनी, अगर कोई जो जैसे एजेंसियाँ लगी हुई हैं जांच पड़ताल करने में, वो तो इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, उसके बाद अगर कुछ होता है तो कानूनी जो कार्रवाई करेगी वो होगी। यही बात है ना भाई सबकी, पूरा रघु पूरा यही चाह रहा ना भाई, ये है रघुपुरा के युवा जोश में है, पूरी तरह से उत्साही है, लेकिन एक बात जरूर कह रहे हैं कि पूरी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने आना चाहिए, उसके बाद ही चीजें क्लियर होंगी। ये अपने आप में अच्छी बात भी है कि जोश के साथ होश नहीं खोना चाहिए। आप क्या सोचते हैं जरूर बताएं, साथ ही इस खबर को शेयर भी करें। नमस्कार।